शिमारू से जुड़े रहने के लिए YouTube ऐप के बेल आइकन को प्रेस करें। हे दीनानाथ, रक्षा करो प्रभु। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम्, मूकं करोति वाचालम्, पंगुलं हयते गिरम्, यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। पुण्यश्लोको नलो राजा, पुण्यश्लोको युधिष्ठिरः, पुण्यश्लोको विदेहश्च, पुण्यश्लोको जनार्दनः। अहल्या द्रौपदी सीता तारा मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मरे नित्यं महापातकनाशनम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशा क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गंगे यमुने चैव गोदावरी सरस्वती, नर्मदे सिंधु कावेरी चरेस्मिन् सन्निधिं कुरु। गंगा गंगेति यो ब्रूयात यो ज्ञानं च तैरति, मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं च गच्छति। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसंभव, पाहि मा कृपया गंगे सर्वपापहारा भव। सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सूर्ये नमः, ओम मकराय नमः, ओम भास्कराय नमः। Thank you.
पूरी रात कहाँ गायब रहे? ठीक से सो भी नहीं पाई? अरे लॉकेट कहाँ गिरा दिए? कहीं गिर गया होगा, तुम ढूंढो ना उसको। घुमाओ तुम और ढूंढो मैं। क्या हो गया? क्या क्या हो गया? बहुत कुछ हो गया। देवल के जावरात चोरी हो गया, उनको तो कोड फूटेगा कोड। अरे उनको कोड फूटेगा कोई बात नहीं, मगर गांव को तो प्लेग पकड़ेगा। मालूम तो करो कौन है। ये तो पुलिस पटेल का काम है। सरकार पूछ रहे क्या होना? सरकार को बोलना आप देवल में चोरी हो गई। सरकार देवल में चोरी हो क्या कहते? चोरी तो उनसे बोलो ना, जाके पुलिस पटेल को खबर करें, यहाँ क्या झक मार रहे हैं। अच्छी बात सरकार। सरकार बोल रहे पुलिस पटेल को इतना करो। अच्छी बात है। क्या हो रहा भाई, इतनी भीड़ काहे को है? देवल में चोरी हो गया। चोरी हो गया? हो ऐसा? पुजारी का लंगूठी चुरा लिया क्या कोई? क्यों रे, देवल में जेवर है सबको मालूम था, मगर तू कहीं को ऐसा बुरा बन रहा है। चोर के दाढ़ी में तिनका किशन रहो, गुड़म्बा पीने वाला इससे ज्यादा क्या करेगा। ए, 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 दांत काहे को निकाल रहा है? कोई सुन लेगा तो? उल्टे पुल्टे बातें बोले तो और अंदर जाना पड़ेगा। जेल में चक्की पीसो बोलते क्या? वो तो तेरा ससुराल है। क्या बोला? वो मेरा ससुराल है? लियो, देख लियो, पेट पाड़ को देख लियो, जेवर अंदर छुपा के रखा हूं। खरी मक्खी है, मारो हाथ, मर जाएगा। अरे मर जाएगा तो तुम्हारा ही छात खराब होएगा। पहले भी चक्की पीसा हूं, फिर पीसूंगा, जेवर के अपने उसमें डालूंगा। अरे खिसक यहां से, पुलिस पटेल आ रहा है। अरे आने दे बे, हम क्या आपसे बात से डरते हैं? ए, कोई हलेगा नहीं यहां से, सभी लोग यहीं ठहरेंगे। अभी पंचनामा होने वाला है। क्या हुआ? वो मेरा लॉकेट क्या है कि कहीं गिर गया होगा? ऊपर ढूंढा मैं, कहीं भी नहीं मिल रहा। देवल में गिर गया होगा शायद, गुम गया। अब मैं क्या करूं? क्या करूं बोले से हो गया उल्लू कहीं के? ये कंबख्त ने कल रात को देवल में लॉकेट गिरा दिया लगता है। क्यों बेवकूफ, क्या होगा? स्मारका बनने की कोशिश करता है। हमारे साथ, हमारे साथ देवल आकर कौन सा तीर मारा? बेकार बीच में टांग अड़ाता।
अच्छे खासे काम को थूक लगा दिया तू। अन्ना अन्ना कर रहा देवल में ही ने अपना लॉकेट गिरा दिया। अगर किसी को मिल गया तो? देवल में गिरा होगा तो वापस मिल जाएगा। इन्हें हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ करता। शराब में धुत होकर जुआ तो नहीं खेलता। नाश्ते के बाद तुम दोनों साहूकार के पास जाना। मुझे शाम से पहले वो रसीद वापस चाहिए। हाँ। विषम तो मेरे साथ देवल चलोगे। देवल? ए, एक वक्त बोले तो नहीं समझते। बैठो यहीं। हल्ला नहीं। सब साले बदमाश हैं। पुलिस पटेल खा गए होंगे। चुपाइट, चुपाइट है। हाँ तो पुजारी साहब, फिर क्या हुआ? आदाब रे सरकार। कुछ पता लगा? सरकार वो पंचनामेश तैयार कर रहा था। झक मारने की तो तेरी आदत है। तेरे भरोसे रहे तो जिंदगी भर चोर पकड़ा नहीं जाएगा। यार को लाके जाके बोल कि मैंने फौरन बुलाया है। सरकार वो ऐसा है। जाओ। हाँ सरकार। బలం గల్లవాడు తాగుబోతు వాడు వినేవాడా ఓహో గిల్లి గాని వాడు షాడి లేవేసు సమజ్గా शादी नहीं करा था। कुछ खोज रहे हैं? नहीं कुछ भी नहीं। आदाब अर्ज़। आपको बड़े सरकार याद कर रहे हैं। छोटी सी बात के लिए परेशान काय को होता है? शमसुद्दीन से बोल दिया हूं, डॉक्टर वापस आ जाएगा।
अन्ना मैं बंदूक ले जाऊं? ले जाओ, चलाते वक्त आंखें मत मूंछ लिया करो। मैं गुल्ला भाई, तू मेरी नहीं है। मैं गुल्ला, तू देवल के देवल चुरा के ला। अरे मैं जागीरदार हूँ, तू क्या कर लेता? तू देवल के कौन है? तू चोर है। अरे चोर है ये, चोर साले। आवर्ते सरकार। अरे थूकता है साले। छोड़ मेरे को। आग लगे इस हवेली को। अरे वापिस आकर चिंदी वाली का। छोड़ मेरे को। चुप। हवेली के भाग खाऊं। चुप। देवल की थोड़ी मरम्मत जरूरी है, अगली फसल तक इसका कुछ इंतजाम करने का ख्याल है। फिक्र मत कीजिए, देवल के लिए नए जेवर भी आ जाएंगे। विश्वम बोल रहा था कि सुबह शायद उसका लॉकेट यहां रह गया है। मैंने कहा फिर तो मिल चुका, सारा गांव चोर चक्कों से भरा है, सोने का लॉकेट कौन लौटाएगा? लॉकेट मेरे को ही मिला था। विश्वम लॉकेट पाकर बहुत खुश होएगा। तो सुन नहीं, बस ना बाबा, मेरे को नहीं और उसके बाद अगर तू पत्थर पे मारेगा तो सुराख हो जाएगा, और लोहे पे मारेगा तो टन टन होगा। नहीं मेरे को और नहीं होना, मैं एक बार बोला ना मेरे को नहीं होना। जाओ जाके सो जाओ। रसीद लाए। इसके बाद उधारी का जुआ कभी नहीं खेलना। बाप दादा ने बड़ी मेहनत से यह जागीर बनाई है, वह जुए में उड़ाने के वास्ते नहीं। तो
काहे को अपने भाइयों की नकल करते हो? अरे लॉकेट कहाँ मिला? हमारे घर के पीछे लाल मिट्टी का गड्ढा और जब उसमें बैठा बुढ़ा उड़के मारा चड्डा दनस्ते बोझमा बाबू शराब पी के तो ये साले बहुत फटाका लगती है। आओ बाबू पन की फुट्टा पटाखा क्या फूटेगा? हमारे घर के पीछे लाल मिट्टी का गड्ढा उसने बता पुटा उड़ के मारा टेटा। ठीक से क्यों नहीं रखते हो? ये देखो टूट गया। जरा रुको, सुनो हाँ। ये गांव का स्कूल किधर है? स्कूल इधर ही है, सीधा जाओ, उधर गड्ढा है, गड्ढे के पास ही स्कूल है। शुक्रिया। अच्छा अरे चंबू क्या औलाद, तेरे बाप की सड़क है क्या? चल हट रास्ते से। चलो चलो। ये कहीं के कहां से आते हैं? रहेंगे पहले इस महल को तो देखो, पांव रखने तक की जगह नहीं है, यहीं जाके रहना था। बाबू हाँ, ये गाय दुधारी नहीं लगती। बुलाओ आज कर देते हैं दुधारी। आयो उसको आज हवेली पे भेजना, वही काम करेंगी। वहां तो बहुत आराम है। Thank you.
अन्ना को भला बुरा लगने की बात नहीं, मैं शादीशुदा हूँ, ये सब मेरे से नहीं होगा। ये तो साला बाजार के दूध से बिचकता है। कभी अपने घर में भी गायत्री बाबू, उनके बाजार का दूध पिए बगैर दिल नहीं भरता था हमारा तो। हाँ पौने, तभी तो मैके गई एक बार और वहां से गुल। बच्चो तेरी तो कुएं में कूद के मर गई। साले बहुत बोलिया बोल रहा तू। मगर बाबू बाबू अन्ना तो घर में गाय बांधने के झंझट में कभी पड़े ही नहीं। क्यों बच्चू है इरादा? Thank you.
गुड मॉर्निंग बोलो बेटे। गुड मॉर्निंग। और एक बार बोलो। गुड मॉर्निंग। हाँ गुड गुड। ये लो खाओ। ठीक है। देखो आप स्कूल के पढ़ाई को अब तक नहीं बोले, बाहर का दरवाजा ठीक करना है और हाँ बाजार का दिन है, सौदा लेके आना। सुने? हाँ। इस सारी फसल पर कब्जा कर लो। नहीं साहब हमारे साथ मत करो सरकार। हमारी जमीन बोता है और हमीज को बेइंसाफ बोलता है हरामखोर। रहम करो हुजूर, हम तो आपके पांव के धूल है, बच्चे भूखे मर जाएंगे। दुरड़ो। अरे सुनो, एक भी बाली बाकी नहीं छोड़ना। सरकार लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ऐसे ज्यादा नहीं करते। आधा वर्ष करता हूँ सरकार। आधा वर्ष है क्या हो रहा है तुम जुड़ीन? माल को रख रहे हैं क्या? नहीं सरकार, वो टोकरी के अंदर कही थी। अच्छा, तो टोकरी के बाहर का हवेली भिजवा देना शाम को। ऐसा अरे इसके पैसे किधर? शाम को मिलेगा। अरे मुफ्तखोर, ये सब हराम के हैं। अरे उसको पकड़ो ना, मेरी मुर्गी ले जा रही है। अगर रूरी कहे कू, रूरी कहे कू, तरीके से रहेंगी ना तो माल के डबल दाम मिलेंगे। वक्त पर पहुंचाना हवेली पर, समझी? नहीं समझी? ऐसा। अरे हट। ये लोग कौन है? गांव में नए हैं क्या? बाकी सब चावल की बोरियां भी यहीं रखने लगे। अंजैया। हाँ ना। बाजार में चावल का भाव क्या चालू है? भाव तो काफी बड़ा है अन्ना, इस वक्त बेचे जो अच्छा है। प्रसाद। हाँ? सतैया का कितने साल का किराया बकाया है? अढ़ाई साल तो होंगे अन्ना। तो वसूल करो, नहीं तो हकाल दो उसको। झट बोल रहा हूँ, इतनी खुल्लम खुल्ला ज्यादती पहले दफा देखी। आपको काइकू, काजी हैं आप शहर के, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। बस बस। नहीं मालूम इस गांव में कौन से सुरख आपके पर लगे थे जो यहाँ बदली करवाने का शौक पड़ा। कितनी बार बोलूं, बदली के वास्ते मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। हाँ, आप किसी चीज के वास्ते जिम्मेदार नहीं हैं। थाली के बैंगन हैं, हर तरफ लुढ़क जाते। मगर सुशीला तुम मगर गया बंदर के पास। मुन्ने को संभालो, मैं अभी आती हूँ। Thank you.
बड़े को बोल दिए थे क्या? सुबह ही बोली थी दरवाजा ठीक करना है। याद ही नहीं रहा। आपको क्या फिकर, बस अपनी किताब लेके लेटे रहते। सुबह पान खाना खाता, पान खाने के चौथा शुरू कर देते। तुम पान खाना छोड़ दो, मैं किताब पढ़ना बंद कर दूंगा। मैं कब से बड़े वाले आईने के लिए बोल रही हूँ, आप अब तक नहीं लाए। मगर घर में तो आईना है ना। नहीं, मेरे को बड़ा वाला होना। अच्छा, अब क्या वरंगल से ले आऊंगा? और साड़ी भी? साड़ी भी। तुम्हारी माँ घर में है? अम्मा, आपके लिए कोई आए हैं। मैं तुम्हारी पड़ोसी हूँ। तुम्हारे वो नए स्कूल मास्टर है ना? हाँ। तुम्हारे वो क्या करते? माफ करना, मैं देवल जा रही हूँ, तुम चलोगी? हाँ, अभी कपड़े बदल के आती हूँ। अच्छी बात है। सरकार भर जाएगा। ऐसा है, मैं बोलता हूँ अगर सब लोग गांव का पूरा कचरा इसमें डाल दिए तो गड्ढा यूं ही भर जाएगा। और फिर ऐसा है, फुकट में खाद भी तैयार हो जाएगा। क्यों है ना? गड्ढा भरवाने को बुलवाया तेरे को, मशवरा देने को नहीं। चंबू कहीं का। क्या है? क्या है, क्या है? तो ऐसा है सरकार, मैं गड्ढा भरवाने का एस्टिमेट तैयार करता हूँ। अरे वो एस्टिमेट दे औलाद, बेकार लगवा के भरवा देना। इसे कितने आदमी लगेंगे बोलना? ऐसा 15-20 आदमी तो लग जाएंगे सरकार। अरे तो लगाओ ना जल्दी। हाँ। कहीं आपने डाटे गाड़ी को कुछ हो गया तो अन्ना का बारा जल जाएगा। हाँ। हाँ क्या चंबू, काम कर। आप तो मजाक करते हैं सरकार। नमस्ते, मैं यहाँ का नया टीचर। ये अच्छी बात है कि आप इसे भरवाने की सोच रहे हैं, नहीं तो बेकार ही बच्चों को खतरा हो सकता था। क्यों मास्टर जी, बच्चे ठीक ठाक पढ़ते हैं या नहीं? नहीं नहीं, बड़ा ही मन लगा कर पढ़ते हैं। अच्छा, कोई ज्यादा चींची करे तो छड़ी का इस्तेमाल करना नको बोलो। नहीं नहीं, वो नौबत नहीं आएगी। हाँ, नहीं वो क्या है, वो पिछला जो मास्टर था बिल्कुल बुढ़ा कुशल था, किसी काम का नहीं था। अब तुमसे तो
बड़ी उम्मीद की जा सकती है। क्या बात है? जरूरी तो नहीं कि तुम खिड़की से ताको। अरे दरवाजे पे खड़ी होती तो खुश होते क्या? टीचर के बीवी को थोड़ा थोड़ा क्या? कुछ नहीं। आप तो खाम खाइच बिगड़े। चलो चाय रखी हुई है। ऐसा लाया साहब, हमारा जमीन हमें छुड़ा देना साहब। मैं आज पूरे होने के बाद झक मारने को काहे को आया? एक महीना भर कर हो गया साहब, माफ करना। बकवास मत करो, चलो निकलो यहाँ से। राजा निगम, निकालो इन लोगों को इधर से। नहीं मालूम कैसे लोग हैं यहाँ के, बस दीदे फाड़ के घूरते रहते। मिर्ची डाल देनी चाहिए आंखों में, घूरना हमेशा के वास्ते खत्म हो जाएगा। उस दिन मैंने बोला तो कैसे तिड़क गई थी। तो क्या करूं, अंदर से कुफल डाल के मक्खियां मारूं या बुरखा ओढ़ के घूमती फिरूं? तुमसे बहस जीतने का कोई तरीका है? है ना, मेरे को वरंगल ले जाके बड़ा वाला आईना और नई साड़ी दिलवा दो। तुम जीती। जी, इतने दिनों से देख रहा हूं, आखिर परेशानी क्या है? मुझे कुछ भी नहीं। तो फिर 24 घंटे मुंह के लटकाए फिरता है आजकल? बहू से ठीक ठाक बनती है ना? हाँ, क्यों क्यों ना? कुछ नहीं, तेरे भेजे में क्या घूमता है समझ नहीं पड़ता। मैं जाऊं? नई सरकार ऐसा ना को करे सरकार। चुप बैठ, निकाल सारे का सामान। ऐसा ना को करे सरकार, निकाल सारे को। लात मार दिया कर, चुप बैठ। पड़ता सरकार आपके पास सरकार, साले दो साल से गिरना नहीं पटाया, पीटे पीटे क्या करता है? समझता नहीं क्या? ऐसा ना को करो सरकार, चंबू साले हराम की औलाद, तेरे बाप की हुकूमत है क्या? समझता नहीं, निकाल साले का सामान। नहीं सरकार, नहीं सरकार। समझ जाने क्या? आ, अच्छा देखो तुम्हारा काम हम ही कर रहे हैं। हराम क्या होना? अरे अरे रुको तो बाबू, पुलिस पटेल छूट गया। देखा, जर जमीन जोरू जोर की, वो नहीं तो किसी और की, समझे? बोल, और पसंद आ गई? एक बार बोल तो दिया। अरे बोलना फिर से एक बार। बोलने में क्या? बोलने का मैं बार बार नहीं। अरे बोलना यार, बोलना। बोल तो दिया ना एक बार मैंने। एक बार बोलने से दोबारा नहीं बोल जा सकता। मेरे को नहीं बोलना दोबारा। बोल बोल बोल। आओ। हाँ मेरे मजनू, पहले तो नाक बहुत सिकुड़ते थे, अब आगे लाइन पे। अब कुछ भी हो भाई, अंदर इतनी तेरी मदद जरूर करेंगे। क्यों? हाँ बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं। कोई गड़बड़ तो नहीं होगा? कोई गड़बड़ नहीं हो सकता, बस अन्ना को तू संभाल ले। नहीं मेरे को नहीं होना। फिर से एक बार बोल। क्या बोल?
हो बाबा। जागीरदार साहब मेरी बीवी लौटा दीजिए, आपको क्या हक है ऐसा करने का? मैं बता देता हूं, शराफत से पेश आइए, मेरी बीवी लौटा दीजिए। मैं बोल रहा हूं ठीक नहीं होगा, बात सुन लीजिए, अच्छा नहीं होगा। जागीरदार साहब सुनाई नहीं देता क्या?
क्या देख रहे हो? तमाशा हो रहा है? तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं खुद अपनी मदद करूंगा। हट जाओ। पुलिस बड़ेल साहब, पुलिस बड़ेल साहब। मास्टर आओ, मास्टर आओ। क्या बात है, बहुत लाल पीले हो रहे हैं। अरे ओ जाको, दो कप चाय। बोल, मुझे चाय नहीं पीनी है। चाय रहन दे, पान खाते हैं। मैं शिकायत करने आया हूँ, पान खाने नहीं। मां साहब, जिंदगी में बहुत सारे काम साथ साथ करना पड़ते हैं जी। मेरी बीवी को हवेली वाले दिन दहाड़े उठा के ले गए हैं और आप? मास्टर साहब, मैंने पान नहीं खाया तो उन्हें वापस आ जाती क्या? नहीं ना, तो फिर इतनी जल्दी काहे को? जरा आराम से बैठ को पूरी बात बताओ ना। मास्टर, जो हो गया सो हो गया, सिरे सिर मारे तो क्या होगा, कुछ होगा क्या? नहीं ना, खाना पीना छोड़ दिए तो उन्हें आ जाती क्या? नहीं ना, उल्टा तुम ही बीमार पड़ते। अब तुम बीमार पड़ते तो वो आ जाती क्या? नहीं ना। आप मेरी शिकायत दर्ज करेंगे कि नहीं? मां साहब, वो तो कल भी हो जाएगा। जरा अकल से काम लो जी, इतनी रात को कुछ होगा क्या? नहीं ना, मुझे आजिश करानी है। हाँ साहब, आज ही दर्ज किए तो उन्हें वापस आती क्या? नहीं ना, तो इतनी जल्दी काई को? उन्हें मर तो नहीं गई ना? अब उन्हें वापस आती तो उसको घर में रख लेते क्या? क्यों क्यों नहीं, वो तो मेरी बीवी है। हा? क्या कैसी बात कर रहे हो मां साहब? दूसरे कने गई सो जोरू को, कोई मरद घर वापस लेगा क्या? सभी दूसरी शादी करते हैं मां साहब। क्या बोले? सुकून से मास्टर, जरा सुकून से। मास्टर, अब आप जाको, जरा आराम से सो जाओ, सुबह को फिर बात करेंगे। जी जाओ। तुम मेरी शिकायत दर्ज करोगे या नहीं? कोई गवाही है? क्यों नहीं, सारे गांव ने देखा है। तो जाओ, जाको गांव वालों को गवाही को बुलाओ। जाओ, बारिश कण है, जाओ। कृष्णराव, चलो तुम्हें गवाही देनी। सुनो, तुम गवाही नहीं दोगे तो मेरी शिकायत का कोई फायदा नहीं होगा। यादगिरी, तुम लोगों को शर्म नहीं आती? मैं दूसरे गांव का हूं इसलिए मेरी मदद भी नहीं करोगे? ठीक है, नको करूं मदद। मैं तालुके थाने में रिपोर्ट लिखाऊंगा, मैं कानून जानता हूं। मगर तुम सब के सब बुजदिल हो, कायर हो, अव्वल दर्जे के डरपोक। को जरा संभालेंगे, मेरे को तालुका जाना। हाँ, मेरे को अभी रवाना होना पड़ेगा, इतना करेंगे मेरे पास। सोचो,
क्या है कि बाप बेचारे सो रही है
ओ चम्मा, इसे मंजन दे दो। कौन है? मैं पोचम्मा मंजन लाई हूँ। लियो, चलो मुंह धो लियो। देखो घर उनका ही चाहिए, दरवाजा तोड़ देंगे, काय को बेकार में चमड़ी उधड़वाते। हाँ, भाग के जाओगी भी कहाँ, अपने मरद के पास, पास भी नहीं फटकने देंगा तुमको। गांव तो थू तो करेगा ही, उंगलियां उठाएंगे सोलग। इतने बड़े जागीरदार पे तोहमत लगा रहे हो तुम, अदालत में लेने के देने पड़ जाएंगे। अगर वो तुम्हारी जोरू को खुल्लम खुल्ला उड़ाकर ले गए तो एक आध गवाह खड़ा करो, कर सकते हो तुम? मेरी सलाह मानो तो ये छोटे मुंह और बड़ी बात करना बंद करो। तुम्हारा यहाँ का जो पेच ढीला हो गया है ना, उसको थोड़ा सा कस लो। ये तो खा लियो। अदालत में सिर्फ फजीहत होगी और कुछ भी नहीं। गवाह आपके पास एक भी नहीं है। आप अकेले की शिकायत में कितना वजन हो सकता है, और इस बात की क्या गारंटी है कि आपकी बीवी खुली अदालत में आपकी शिकायत की तायद करेगी? बताइए, है कोई गारंटी? देखिए, हमें आपकी बात पर पूरा यकीन है, लेकिन हमारी मजबूरी भी तो समझिए। आप ऐसा क्यों नहीं करते, एक लेटर टू द एडिटर दे दीजिए, वो हम छाप देंगे। मगर वो तो खबर नहीं हुई, समाचार नहीं हुआ, लोगों को पता कैसे लगेगा? भैया, अगर ये खबर छाप दें तो शायद छापा खाना बेचना पड़ेगा,
इज्जत का दावा कर दिया उन लोगों ने तो हरजाना भरते भरते दीवारा पिट जाएगा। आखिर हमारे पास बात का सबूत ही क्या है? नाश्ता छुएच नहीं, दोपहर का खाना भी वैसे ही छोड़ दिए, अब इसको भी लौटा दी। तू तो बला टाली होगी, छोड़ मैं लेके जाती हूं। कुछ खा लियो, कल शाम से भूख की बैठी हो। अरे सुनाई नहीं देता क्या, भूख की मरना है? पर अपने बच्चे की तो सोच, अपने वास्ते नहीं तो नहीं, उसके वास्ते तो जिंदा रहना ही पड़ेगा तेरे को। ऐसा जिद नहीं करते, लियो खा लियो, खा लियो। सुबह उसको दे देना। अच्छी बात। उससे कुछ नहीं होने का। आओ, बेकार की मेहनत की है साले के लिए। बहुत ठंडी औरत है, लाश जैसी पड़ी रहती है। अंधा नहीं इसके लिहाज में, उसको छुआ तक नहीं। कुछ बिगड़ा नहीं उनका। बेकार की मेहनत बच गई। चल, जल्दी से निपटा कर सोते हैं। किस्मत फोड़ने के वास्ते यही घर मिला था अब्बा को, कसाई सब के सब, भलमन से छू तक नहीं गई। मेरे को थोड़े दिनों के वास्ते अम्मा के पास छोड़ा, मेरे से नहीं देखा जाता। हाँ हाँ देखेंगे। Thank you.
चाहिए मर्दानगी? भर गया दिल? मत जाना उसके पास, एक बच्चे की अम्मा है उन्हें। तुम्हारे भाइयों का बस चले तो कोठे पे बिठवा देंगे उसको, उनको माया ममता थोड़ी है। कमीने, निर्दयी कहेंगे। और तुम्हारे को कौन सी जरूरत पड़ी थी उनके जैसे बनने की? मैं नहीं हूं क्या? भगवान माफ नहीं करेंगे ये। हाँ मास साहब, आपके साथ हमारी पूरी हमदर्दी है, मगर आपको भी मालूम है अपने इलाके में कितना गड़बड़ हो रहा है। हाँ अलबत्ता, अगर आप चाहते हैं तो मैं कलेक्टर को एक चिट्ठी लिख के दे दूं, ताकि आपके कुछ काम में आ जाए। साहब ने कहा है आपका जो वो है ना, हाँ, वो लिख कर दे दो। हाँ, जरा कागज। कागज उधर है। हाँ, माफ कीजिए, कागज लेंगे। अंजलि रेड्डी साहब बुला रहे। सर, आपने बोला था। इसको रख लो। वेल, आई एम सॉरी आई कुडंट सी यू एनी अर्लियर, बट लेट्स सी व्हाट वी कैन डू फॉर यू व्हेन आई कम बैक फ्रॉम माय टूर। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सोचो बेटा, सोचो सोचो। अब्बा, अब्बा, अब्बा।
देर लगेंगी। वो चम्मा जरा जल्दी करो। तू तो गांव में आती जाती होंगी ना। हाँ। मेरे बच्चे को देख। नहीं, उनको पहचानती है? हाँ। कौन नहीं पहचानता? मेरी तरफ से उनको जरा पूछताछ करेंगी।
बोलो तुम्हारे बारे में पूछो तो क्या बोलना? भगवान को प्रणाम करो बेटे। ले लो बेटे। पुजारी जी को प्रणाम करो। भगवान तुम्हें सुखी रखे बेटे। भगवान को प्रणाम करो। मुन्ना कैसा है? वो अच्छा है। मेरे को याद करता? याद करता? मैं सुनी उन्हें तुम्हारा नाम लेने को भी मना कर दी। अब बगैर जोरू कमरे दूसरी क्या तीसरी शादी भी कर लेगा। हाँ आते हो तुम यहां? मत आया करो। एक इश्क तो थी जो थोड़ी बहुत हमदर्दी दिखाई थी, उसको भी मेरा दुश्मन बना लिया तुम। मेरा जो कुछ था सब तो ले लिया तुम लोग, फिर भी कलेजा ठंडा नहीं हुआ। अब और क्या रह गया मेरे पास? मत आया करो यहां। अपनी बीवी से बोल दो मैं मना क्यों तुमको यहां आने से। मना क्यों तुमको यहां आने से? तुम कौन होती हो मेरे को मना करने वाली? जब मेरा जी चाहेगा मैं आऊंगा, हजार बार आऊंगा। आदाबन। ए, कब से बोल रहा हूं पर ये गड़ा भरने का काम अभी तक शुरू क्यों नहीं हुआ? वो सरकार वो ऐसा है। ऐसा ऐसा क्या है? ये गांव वाले बहुत मस्ती भरे फुकट काम करने को, ये हराम के तैयारी नहीं होती। झूठ बोलने की आदत तेरी पैदाइशी है, काहिल है और कुछ नहीं। जल्दी से काम शुरू नहीं हुआ तो अच्छी खासी परेड होगी तेरी, ये ख्याल रखना। मास्टर साहब बड़े सरकार से मिले नहीं? बड़े सरकार इन अपने स्कूल के मास्टर हैं, बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं। जितने आदमी काम में लगे उनके नाम लिखो, बाकी मैं खुद देख लूंगा। देख लिए मास्टर साहब, मैं सरकारी मुलाजिम हूं, पन की बड़े सरकार के सामने गप चुप रहना पड़ा।
अरे बेटे, दुख तो हमेशा हावी रहता है हम पर, हम ही आंखें मूंद लेते हैं, हम पैदा होते हैं, सब सहकर जीते हैं, फिर मर भी जाते हैं, पर कोई बता सकता है क्यों? क्योंकि शैतान बच्चे जैसे कीड़े मकोड़ों को बेमतलब कुचलते हैं, वैसे ही वो हमारे साथ बर्ताव करता है। पर वो ऐसा क्यों करता है मुझे तो नहीं मालूम, मैं उसका न्याय नहीं समझ पाता, समझा भी नहीं पाता। मैं तो केवल विश्वास कर सकता हूं, उसी विश्वास के सहारे जिंदगी के सुख दुख काटूंगा, और तुम्हें भी वही करना होगा बेटे, क्योंकि तेरे तो बच्चा है। अरे उसकी सोच अपनी मां के लिए कितना कलप रहा होगा, क्या उसके पास जा, उसके लिए सहारा बनने की कोशिश कर। या बेटे पोचम्मा, ओ पोचम्मा, पोचम्मा, उनको बोलो मेरे को देवल जाना शाम को। लाट साहिबन मोटर में बैठ के देवल जा रही कते, और छोटे सरकार उसको भेज रहे। इन मर्द लोगों को दिलीच नहीं होता है। हर ठीक ठाक चल रहा है? हाँ। और स्कूल? तुम कैसी हो? आपको क्या फर्क पड़ता है? मेरे को आपकी नजरों के सामने उठा के ले गए, आप उफ तक नहीं किए, मेरा बच्चा मेरे से छीन लिया गया, मेरा घर, मेरा सब कुछ, और आप सिर्फ देखते रहे। आप पूछ रहे कैसी हो? सच कहता हूं, जो कुछ मेरे बस में था मैंने किया, पूरी कोशिश की, कोई कसर नहीं छोड़ी। कोशिश की? हाँ कोशिश की, किसी से पूछवाए मैं किस हालत में हूं,
बदमाशों की हवेली में रखेल बन के रह गई हूं मैं। जानवरों के वैसा सुलूक हो रहा मेरे साथ, जब भूख लगी आ गए। और मैं सोचती रही आज नहीं तो कल तुम आके छुड़ा लेंगे मेरे को, मगर तुमको तो जैसे परवाह ही नहीं। ऊपर से बोलने की कोशिश की, आग लगा देना था हवेली को, टुकड़े टुकड़े करके फेंक देना था हम सबको। मगर तुम मर्द होते तब ना, तुमको तो जैसे शर्म ही नहीं है उस दिल कहीं के। जा, उसकी शरण में जा, वहीं तुझे शांति मिलेगी, तेरा दुख वही समझेगा। मौका पड़ने पर चूहा भी बिल्ली पे वार करने की हिम्मत करता है, और हम जो इंसान बनकर पैदा हुए बिना वजह सब कुछ सहते रहे। देवल होएं? मैंने भी जीवन देखा है, समझा है। हाँ समझा है, मेरी तरह जलील किए जाते तो समझते, यतीम बच्चे के बाप होते तब जाकर दर्द का मतलब समझते। आप तो अगले और पिछले जन्म की बात कर करके हमारी पीड़ा का मजाक उड़ाते। तो फिर मेरे को ये सब सुनाने की जरूरत क्या है? क्योंकि आप अगर अपनी आंखें खोलें तो पूरे गांव की आंखें खुल सकती है शायद।
एक बार बोल दिया तो समझ में नहीं आता, बस दीदे फाड़ के देखती रहती। क्या हुआ? क्या हुआ क्या? मेरे को अपनी रसोई अपने बर्तन अलग होना, तुम्हारा और मेरा खाना मैं खुद ही बनाऊंगी। जब इस घर में रहना ही था तो इज्जत से रहूंगी। मैं कोई दो कौड़ी की औरत नहीं हूँ, ऊंचे घराने की हूँ। खाक अच्छे घराने की है, रखे रहे सारी दो कौड़ी की, यहाँ से निकाल दिया तो चकले पे बैठेगी जाके। बड़ी आई अलग रसोई मांगने वाली, आज अलग रसोई मांग रही है, कल बोलेगी शादी कर लो तो कर लेगा क्या? अगर मैं उससे शादी करूँ आप लोगों का क्या बिगड़ जाएगा? क्या धीरे कमीना कैसा बोल रहा? अरे कोई लाज शर्म नहीं तेरे को? एक रखेल को जोरू बनाना चाहता है? रखेल को बोलो उसको। जबान लड़ाता है। अन्ना की वजह से तेरे को बहुत बर्दाश्त कर लिए, पर आपके बर्दाश्त नहीं होगा। ऐसा उल्टा सीधा कदम उठाएगा तू तो इस घर में या तू रहेगा या हम। नाला ये कहीं का, चलो ना के पास। छोटे सरकार मास्टर की जोरू से शादी की सोच रहे। और कुछ? हम आपका बहुत ख्याल करते हैं अन्ना, मगर ये जाति अपने से बर्दाश्त नहीं होंगी। तुम लोग तो खेतों पर जाने वाले थे ना? विश्वम, क्या बात है अन्ना? ये लोग खामखा में बात बढ़ा रहे हैं। उन्हें अपनी रसोई अलग मांग रही, अपना खाना खुद ही बनाना चाह रही, इसमें इन लोगों को इतराज करने की क्या जरूरत है? विश्वम, किसी औरत के साथ ताल्लुक रखने के लिए ये जरूरी नहीं कि जज्बात को बीच में लाओ, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। मेरे को रसोई अलग करने में कोई एतराज नहीं, मगर बात इसके आगे बढ़ना नहीं चाहिए। घर में बहू है और फिर मेरी भी तो जिम्मेदारियां हैं। क्या नहीं दिया उसको? बीबी का हक तक तो दे दिया, अब उसको घर की मालकिन भी बना देंगे। मेरी क्या हैसियत बचेंगी? उन्हें अलग रसोई दे देने से उन्हें घर की मालकिन बन जाएंगी क्या? तो अपनी अपनी सोचते, उसका दिल नहीं दुखता क्या? उन्हें भी तो इंसान है, उसकी कोई हैसियत नहीं? उस पर क्या गुजर रही है वो कोई नहीं सोचता। बड़ी आई हैसियत वाली, आग लगे ये है हैसियत के बखेड़े को। ठीक तरह से काम करते हो या नहीं? अरे देखते क्या हो, काम करो। चल ठीक तरह से काम कर। क्यों बेटे, ससुराल से इतनी जल्दी आ गए? हाँ बे, आ गया। सांच को आंच नहीं समझे? क्या समझे? अरे ये सांडों के बीच में बैल कहां से आ गया? क्या बकता है? चुब्बे हवेली के बाहर खाऊं। बहुत चर्बी चौके लगता है। पंडित Thank you.
हराम ज्यादा सारे भाग गए। कमजोर सारे। उतर बाबू, बीच में नाश्ता है। टायर बंद कर? नहीं मालूम तो रहा। नहीं मालूम का बच्चा। अरे दोनों टायर पंचर है। मेरे को नहीं मालूम तो रहा। हैं? बाबू हो किसी हराम जाने की बदमाशी लगती है। अन्ना अन्ना, वो खुलगों की लड़ाई में इस दफा हमारे को नहीं बुलाए क्या? कहे कि मालूम नहीं। मालूम नहीं तो मालूम करो। और अन्ना गाड़ी के टायर पंचर हैं। अरे तो मैकेनिक को बुलाओ, ठीक कराओ। अन्याय सहते रहोगे तो अन्याय करने वालों का अन्याय कम नहीं होगा, उल्टा बढ़ेगा। मत भूलोगे हर युग में अन्याय के खिलाफ लड़ना पड़ा। लड़ाई सिर्फ पेट की नहीं, धर्म की, आने वाले बच्चों के लिए, अरे सब भूमि गोपाल की। हक के लिए लड़ोगे नहीं तो बैठे बैठे हक नहीं मिलेगा। खाना खाने के लिए भी हाथ उठाना पड़ता है। देखो मैं जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा, बैठ कर मेरी बात सुन लो, तुम्हारी जो राय है वो भी। लेकिन मां साहब मेरी बात सीधे सीधे मान लो, ऐसा तो मैं बोल रहा नहीं। मां साहब अपन इधर से चले। इधर से जाना, अब तो किशनराव ही रास्ता दिखा रहे हैं। ऐसा नहीं मां साहब, मैं बोला नजदीक पड़ता बोल के बता रहा हूँ। मजाक करते रहे मां साहब। लेकिन मां साहब एक बात है कि ये सब काम होएगा कैसे? मेरे को तो लगता है इस गाँव में कुछ गड़बड़ नहीं हो जाएगी। तुम यहाँ नए हो क्या? हो मैं नया हूँ, लेकिन ये सब दुखता है। मैं मां साहब आप फिक्र मत करो, आप और पुजारी साहब जैसा बोले ना मैसेज करेंगे। अच्छा देख लेंगे क्या, हम सब आपके साथ हैं। देखो जीने का भी अपना एक ढंग होता है कि बेइज्जत होकर जीना भी कोई जीना है, ऐसे जीने से तो मरना अच्छा। नामर्दी पर पर्दा डालना चाहते हो, भूल जाते हो कि अगर अत्याचार करना पाप है तो अत्याचार सहना उससे भी बड़ा पाप है। अरे हिम्मत है तो अत्याचार के खिलाफ हाथ उठाओ। हंसते हैं Thank you.
बच्चों, तुमको वो किस्सा मालूम है जब भगवान कृष्ण ने जमुना नदी में कूदकर कालिया नाथ को मारा था? एतावानस्य महिमा अतो जायागुश्च पुरुषः या एतावानस्य महिमा अतो जायागुश्च पुरुषः पुरुष एवेदगुं सर्वं यत् भूतं यत् सभव्यं मृतत्वशेषानः यदन्नेनाति रोहति। अरे भैंसों को कोई आज खेतों में नहीं ले गया? अन्ना, ओ अन्ना, क्या आज कोई काम पे नहीं आया? क्यों? क्या मालूम, वो जम्मा भी नहीं आई। रुक्मिणी पहुंचना नहीं आई आज, जरा तुम चाय बना दो। मैं अकेली क्या क्या करूं, घर में और लोग नहीं है क्या? काम के नाम से गांव के सारे लोग जान छुड़ा कर भागते हैं। मन के देवल में हुल्लड़ करने के लिए 24 घंटे तैयार। पर मेरे सालों क्या करना है? औरत को यह भी बोलना पड़ता है? मैं चाय बनाती हूँ, तुम जाके नहा लो। चलो के सारे नौकर पता नहीं कहां गायब हो गए। जब जरूरत पड़ती है तो पांव पकड़ते हैं आकर हराम और साले। विश्वम,
अरे देवल से लोग आ रहे हैं। बहू को बोलो जल्दी तैयार होने को। दिख रही है। तुमने चाय पी ली? हाँ। प्रसाद, मेरे कमरे में से घड़ी भी लेते आना।
Susheela! Susheela! कैसे हो गया? कैसे हो गया? कैसे? अच्छा मालूम होने से बात आसान हो जाएगी क्या? Thank you.
दिल जिया जाए ना, जिया जाए ना, जिया जाए ना। कुतुब शान दे मुझ दीवाने को बन, कुतुब शान दे मुझ दीवाने को बन, दीवाने को कुछ बंद दिया जाए ना, पिया बाज यक दिल जिया जाए ना।